तो फिलहाल अभी मैं हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ यहाँ से अपने होम टाउन यानी कि वाराणसी की तरफ। तो फिलहाल जयपुर में तो धूप खिली हुई थी, लेकिन आगे चल करके घना कोहरा जो है वो देखने को मिलने वाला है, और ऐसे में हमारी ट्रेन कितनी लेट होती है वो भी देखने वाली बात होगी। और एक और चीज़ कि हमारी ट्रेन जो है वो हो सकता है कि अपने मेन रूट को छोड़ करके किसी और रूट से जाए, तो ये भी होने की संभावनाएं थी। तो ये सब बहुत कुछ होने वाला है इस व्लॉग में, तो बने रहिए और इस इंटरेस्टिंग व्लॉग को पूरा देखिएगा। चलिए आज की जर्नी को शुरू करते हैं। और जयपुर में हमारी ट्रेन का अराइवल में तो अभी टाइम है, लेकिन यहाँ पर महाराजा एक्सप्रेस का डिपार्चर जो है वो मुझे देखने को मिल गया। और क्या लग्जूरियस ट्रेन है ये, मतलब ये बोलूँ कि इंडिया की सबसे कॉस्टली और सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक है ये महाराजा एक्सप्रेस। पता नहीं इसमें सफ़र करना कितना पॉसिबल हो पाएगा आगे, पर हाँ मन ज़रूर से है कि एक बार ज़रूर से इस ट्रेन में ट्रैवल किया जाए। तो आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ मर्दोर एक्सप्रेस से, बाकी हमारे बाकी जो दोस्त लोग हैं वो लोग ट्रैवल करने वाले हैं गणगौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। यहाँ मल्हार भाई भी यहाँ का, अरे हाँ लंच चल रहा है इनका, तो कैसा है भाई यहाँ का IRCTC का? 120 रुपीस का है। 120 रुपीस का, और टेस्ट वाइज कैसा है? बहुत बढ़िया, वर्थ इट है। अच्छा, मतलब जयपुर के अगर आप यहाँ पे आए तो IRCTC काउंटर पे तो यहाँ पे खा सकते हो आप। चलो, तो बाकी श्रेयान भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं घनघोर से। मैं घर की ओर निकल रहा हूँ, घर की ओर अभी ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई तक आई गेस, घनघोर सुपरफास्ट, और मल्हार भाई भी साथ में जा रहे हैं। तो मेरा भी मन था ट्रैवल करने का, लेकिन मुझे कहीं और जाना है और भाई लोग कहीं और जाना है। चलो, हमारी ट्रेन बस यहाँ पे अब लगने ही वाली है। यहाँ पे ट्रेन पहले आएगी डीजल लोकोमोटिव के साथ में, क्योंकि जोधपुर से वो यहीं तक आती है, डीजल में आती है, और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो हमें आगे तक ले जाने वाला है। आगे तक क्या, पूरा एंड तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो हमें लेके जाने वाला है। चलो ठीक है, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, मिलते हैं आप, बाय। ये देखो ट्रेन जो है वो आ चुकी है, ऑलमोस्ट वहाँ पर ट्रेन दिख रही है। देखो ये देखो ट्रेन दिख रही है, और लोग यहाँ पर ट्रैक जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ तक ट्रेन जो है वो जोधपुर से जयपुर तक डीजल लोकोमोटिव के साथ आती है। तो यहाँ पे जो डीजल लोकोमोटिव है उसको डिटैच कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो लगाने की तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि मेरे ख्याल से WP4 लोकोमोटिव जो है वही होने वाला है। और ये देखो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यह सोचा था कि WP4 जो है वही लगने वाला है और वही लोकोमोटिव जो है वो आया। देखिए फ्रंट पैंटो जो है उसको नीचे किया गया और रियर पैंटो जो है उसको अब ऊपर किया जाएगा। चलो, अपनी यात्रा जो है वो सेकंड एसी में होने वाली, लेकिन अगर बात करूँ जनरल क्लास की तो ये देखो अभी लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रेन चलेगी तो सब कुछ स्थिर होगा और हमें अंदर जगह मिलेगी। तो बहुत बुरा हाल है जनरल क्लास का। और पता है सबसे बड़ा दुख क्या है, अगर साइड लोअर मिलती तो भी अच्छा होता, लोअर मिलती तो भी अच्छा होता, इनफैक्ट अपर मिलता ना तो भी अच्छा होता, लेकिन मिला कौन सी सीट है, ये साइड अपर बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। मतलब अगर एक पल को अपर मिल जाती ना तो भी चलता, और लोअर तो खैर मिली नहीं, अपर सीट मिलती तो भी चलता, लेकिन साइड अपर जो है ना बहुत बुरी लगती है मुझे। एक पल को सोचा मैंने कि टिकट जो है वो कैंसिल कर दूं, लेकिन क्योंकि टिकट जो है वो मैंने तत्काल में की थी और टिकट कैंसिल करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर मैं टिकट कैंसिल करूँगा तो बिल्कुल ज़ीरो रिफंड जो है वो मिलने वाला है मुझे। अब ये सारी सीटें जो हैं वो तो खाली हैं, लेकिन कहाँ तक खाली रहने वाली है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ तब तक मैं बैठ सकता हूँ, रात में सोते वक्त जो है वो एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन अगर ऐसी सीटें खाली मिल जाती हैं तो यहाँ बैठ करके जर्नी जो है वो मैं कर सकता हूँ। फाइनली अपना डिपार्चर हो गया जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, 2:08 का वक्त हो रहा है अभी। वैसे यहाँ से डिपार्चर का जो सही समय था वो था दोपहर के 1:40, पर ट्रेन यहाँ पर ऑलमोस्ट 28 मिनट के डिले के साथ डिपार्चर ले रही है। बाकी यहाँ तक तो ट्रेन डिले नहीं होने वाली, क्योंकि बिल्कुल फॉग नहीं है, धूप खिली हुई है, तो मेरे ख्याल से आगरा तक जो है वो ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम जाने वाली है, टुंडला तक जाने वाली ऑन टाइम। टुंडला के बाद जब मेन लाइन पर आने वाले हम दिल्ली कानपुर मेन लाइन पर हम पहुंचेंगे, उसके बाद इस ट्रेन के साथ क्या होता है, फॉग होता है रात में या फिर ट्रेन लेट होती है पता नहीं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि बहुत दिन से ट्रेन जो है वो 3-4 घंटे डिले के साथ पहुँच रही है अपने गंतव्य पर।
तो ऐसे जब हल्की हल्की धूप जो है वो सर्दियों के मौसम में खिली होती है ना, तो जर्नी करने का अलग ही मज़ा आता है। मतलब तो वाकई में मौसम बहुत अच्छा लगता है। तो जो दौसा स्टेशन है जस्ट अभी क्रॉस हुआ और बांदीपुर जंक्शन पर पहुँचने वाले हैं, और एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि यहाँ भी फेंसिंग जो है ना, ये देखो आप, फेंसिंग जो है वो हो रही है। तो जितनी फेंसिंग होगी उतनी हमारी ट्रेनों की रफ्तार जो है वो बढ़ेगी। हालांकि 130 की रफ्तार में अभी भी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन फेंसिंग के बाद से 160 की रफ्तार जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। ट्रैक्स का जो कंडीशन है उसको भी सुधार लिया जाएगा, और साथ ही साथ बहुत दिक्कत होती है जब फेंसिंग नहीं होती है तो कोई भी मवेशी जो है वो सामने आते हैं और फिर ट्रेन को रोकना पड़ता है, तो ये भी बहुत दिक्कत की बात है। तो चलो, ट्रेन जो है वो बांदीकुई के जस्ट पहले ही रुक गई और लोग उतर करके नीचे धूप जो है वो लेना शुरू कर चुके हैं। अब देखना है प्लेटफॉर्म जो है वो किस साइड आता है। वैसे इस साइड ही प्लेटफॉर्म आना चाहिए। अरे अरे, यहाँ भी काफ़ी रश है, काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन में ऑनबोर्ड होने वाले हैं। और ये देखो आप रश, मतलब एक तो पहले से ही जनरल क्लास में जगह नहीं थी और इतने सारे लोग जो हैं वो आ गए। अब इनको सीट जो है वो कैसे मिलेगी ये तो भगवान जाने। मतलब बहुत मुश्किल होता है जनरल क्लास में ट्रैवल करना, पता नहीं। मैं सोचा कि आपको बांदीकुई के बारे में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ जनरल का हाल देख करके मुझे बहुत बुरा लगा सच में। मतलब कितना मुश्किल होता है जनरल क्लास में ट्रैवल करना, बूढ़े लोग कैसे, मतलब कैसे ट्रैवल करेंगे इसमें। कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। खैर, थोड़ा बुरा ज़रूर से लगता है ये सब देख करके कि हमारी ट्रेनों में ना इतनी जगह नहीं होती, इतनी ट्रेन्स नहीं है हमारे पास। और अगर बात करें जनरल की, तो सिर्फ जनरल के दो कोचेज जो हैं वो सामने हैं और मेरे ख्याल से पीछे भी दो कोचेज जनरल के होंगे। तो अब एक ट्रेन में कितने सारे जनरल की कोच जो है वो लगा सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। बाकी बांदीकुई के बारे में आपको बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि मेनली फोकस जो था वो वहीं पे हो गया मेरा। बाकी बात करें अगर बांदीकुई की ना, तो 1784 में पहली बार स्टेशन को खोला गया था और ये एक ट्राई जंक्शन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहाँ से जो अलवर दिल्ली की लाइन है वो अलग होती है और यहाँ से आगरा की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, और जयपुर की लाइन तो है ही, तो ये तीनों लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए बांदीकुई एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी तो कहानी ये है कि ब्रिटिश राज में ना यहाँ पे करीब 1000 फैमिली जो थी वो रहती थी इसी रेलवे स्टेशन के आसपास, और वो सारी फैमिली जो हैं वो धीरे धीरे बड़ी होती गई और आसपास के जो लोकल लोग थे ना वो भी यहाँ के बसने लगे, और इस कारण से यहाँ पे एक सेटलमेंट जो है वो बना। और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बांदीकुई का जो अस्तित्व था वो कहीं ना कहीं रेलवे के कारण ही शुरू हुआ। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमारी ट्रेन अलग हो रही है, अलवर दिल्ली रेवाड़ी की तरफ जाने वाली लाइन से, और हम सीधा निकल चुके हैं अभी आगरा की तरफ। अच्छा, बांदीकुई से निकल चुके हैं, लेकिन बांदीकुई मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ आइटम जो है वो पैक करके लाया हूँ अपने साथ। हालांकि सत्या भाई ने सब कुछ पैक किया था, तो ये बोला था कि ये ज़रूर ट्राई करना आप। हाँ, वाइट रसगुल्ला जो है, वाइट रसगुल्ला है, फिर पता नहीं क्या है ये, और इसमें जो है वो कचौरियाँ हैं, खस्ती कचौरियाँ। हालांकि थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ट्राई ज़रूर से करूँगा इसको मैं। और इस बॉक्स में जो है वो जलेबियाँ हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही उम्दा, हालांकि ठंडी होने के बाद भी काफ़ी अच्छी लगती है। जयपुर में एक रावत के नाम से भी कचौरी वाले फेमस है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे ये कचौरी लगा। ऐसा रसमलाई जो है ना बहुत टाइम बाद में खा रहा हूँ, मतलब मैं सच में याद नहीं कि लास्ट टाइम इतना अच्छा रसमलाई मैंने कब खाया था। तो वाकई बहुत अच्छा है ये। ये देखो क्या खूबसूरत सनसेट जो है वो हो रहा है, बिल्कुल चारों तरफ सरसों के जो खेत हैं वो दिख रहे हैं, और हल्की हल्की धुंध जो है वो नज़र आ रही है, इस कारण से ये जो सूर्यास्त है ना वो और भी खूबसूरत हो जा रहा है। अच्छा, बात करूँ वक्त की, तो शाम के करीब 5:25 का वक्त हो चुका है और हमारी ट्रेन अभी भी भरतपुर से काफ़ी दूर है। अभी यहाँ पे हमारी ट्रेन बहुत देर से रुकी हुई थी और पता नहीं कुछ लोग यहाँ से उतर करके जा रहे थे, तो शायद हो सकता है कि चेन पुलिंग जो है वो ही हो, लेकिन सिग्नल जो था वो रेड था, तो इसकी संभावनाएं भी थोड़ी कम लग रही थी।
बाकी चारों तरफ सरसों के फूल जो थे वो अपना सुगंध जो है वो फैला रहे थे और वाकई सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था शाम में। चलो धीरे धीरे ट्रेन हमारी जो है भरतपुर जंक्शन पहुंच रही है और क्या खूबसूरत शाम हुई, और जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे हल्की हल्की ठंड जो है ना वो समझ में आ रही है। तो चलिए फाइनली अपना अराइवल हो रहा है भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और क्या खूबसूरत शाम जो है वो हो रखी है, मतलब हल्की ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं और पूरा वातावरण जो है वो बिल्कुल शांत और खूबसूरत लग रहा है। ये देखो भैया, अगर बात करें जनरल क्लास की तो कहीं भी कोई भी मतलब राहत नहीं है। भरतपुर में ट्रेन रुकी लेकिन यहाँ भी देखो आप तो चढ़ने के लिए मारामारी जो है वो लग रही है, हालांकि थोड़ी सी भीड़ जो है वो कम हुई। अच्छा बात करूँ भरतपुर की ना, तो भरतपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकल जाएगी मथुरा की तरफ, हालांकि ट्रेन हमारी मथुरा जो है वो नहीं जाने वाली है, बाकी यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलेगी आगरा की तरफ, हाँ जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि बांदूगी की लाइन, और एक लाइन जो है वो आती है सवाई माधोपुर की तरफ से। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए भरतपुर जो है एक बड़ा जंक्शन है, मतलब देखने में लगता है कि छोटा सा स्टेशन है पर हाँ जंक्शन बहुत बड़ा है ये। अगर मैं बात करूँ भरतपुर की ना, तो भरतपुर में जो है वो केवला देव नेशनल बर्ड सेंचुरी जो है वो स्थित है और बहुत प्रचलित बर्ड सेंचुरी है ये, और भरतपुर बर्ड सेंचुरी का जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो भी मिला हुआ है, तो हाँ ये एक बड़ी चीज़ है। और बाकी अगर बात करूँ तो मैंने बिल्कुल कोशिश भी नहीं की कि मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिल जाएँ, क्योंकि एक तो वैसे मिलती भी नहीं क्योंकि ट्रेन बिल्कुल हमारा कोच जो है बहुत आगे है, तो जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब पीछे छूट जाती हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो जो हमसे अलग हो रही है, ये लाइन निकल जाएगी मथुरा की तरफ और हमारी ट्रेन जो है वो सीधा निकल रही है आगरा की तरफ। मथुरा यहाँ से बहुत पास में है, आगरा भी अराउंड 60 किलोमीटर की दूरी पे होगा। अच्छा एक चीज़ तो है कि जयपुर के बाद ना भी ये सीटें जो है वो भरी नहीं, और मुझे लगता है कि शायद आगरा के बाद ये सीटें जो है भरने वाली हैं और लोग आने वाले हैं, तो चलो ठीक है कम से कम ये टाइम जो है वो निकल गया आराम से बैठे बैठे, तो साइड पर सीट में जाने की जो दिक्कत थी वो नहीं हुई। बाकी चलो अश्नीरा जंक्शन पहुँचने वाले चलते हैं उसका अराइवल जो वो लेते हैं। तो चलो फाइनली पहुंच चुके हैं अश्नीरा जंक्शन रेलवे स्टेशन और देखो हल्की हल्की धुंध जो है वो यहाँ शुरू हो चुकी है। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था शाम के 5:18 पे और ट्रेन यहाँ पहुंची है करीब शाम के 6:30, और देखो 6:30 कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ मैं बात करूँ अगर अश्नीरा की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत बड़ा जंक्शन नहीं है ये, सिर्फ एक लाइन यहाँ से मथुरा के लिए निकल जाती है और इसीलिए अश्नीरा जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अच्छा करीब 7:00 और हमारी ट्रेन जो है पहुंचने वाली है ईदगाह आगरा रेलवे स्टेशन। हाँ बिल्कुल हमारी ट्रेन जो है वो आगरा कैंट नहीं जाती है, ईदगाह आगरा रेलवे स्टेशन जाती है। और एक और चीज़ है बिल्कुल हम बिल्कुल जो नई दिल्ली आगरा मेन लाइन है ना उसके नीचे से हमारी ट्रेन निकलेगी और वो लाइन बिल्कुल ऊपर से गुजरती है और वहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो सीधा निकलेगी आगरा फोर्ट होते हुए टुंडला की तरफ, और इस बीच यमुना रिवर को क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन हाँ यमुना रिवर मैं आपको दिखाऊँगा नहीं, पिछली बार बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मतलब फ़ोन छीनने की कोशिश वहाँ पर की गई थी तो वो तो मैं नहीं करने वाला, डर लगता थोड़ा था। और कई लोग जो हैं वो वहाँ पे ताजमहल को देखने के लिए फ़ोन निकालते हैं जिस कारण से उस ब्रिज पे ऐसी सब चीज़ें हरकतें जो हैं वो होती रहती हैं, आपका कैमरा फ़ोन जो है वो लोग क्या मतलब जो चोर होते हैं वो खींच लेते हैं, वो परेशानी होती है लोगों को वहाँ पे। तो इस ब्रिज पे तो कभी भी अपना फ़ोन या कैमरा बाहर ना निकालें। और बाकी रात के अंधेरे में ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से बयाना जंक्शन की तरफ से आ रही है जो कि आके आगरा में मिलती है, तो ये भी एक रूट है, मतलब बयाना से भी आगरा की लाइन जो है वो निकली हुई है। बाकी ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन सीधा निकल जाएगी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ, अगर हमारी ट्रेन द्वारा जाना चाहती तो वहाँ जा सकती थी, पर अभी हम सीधा निकल रहे हैं ईदगाह की तरफ। और ये देखो ये वो लाइन है जो कि निकल जाएगी आगरा कैंट की तरफ, मतलब नई दिल्ली आगरा मेन लाइन बिल्कुल उसके नीचे से निकले हम, हालांकि कैमरा फोकस नहीं कर पाया ठीक से। और फिलहाल अराइवल हो रहा है ईदगाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और हल्की हल्की धुंध जो है वो अब आप देख सकते हो, तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो चलो बहुत देर तक ट्रेन यहाँ पर रुकी नहीं, सिर्फ मैं पानी की बॉटल जो है वो ले पाया और जैसे अंदर रख के वापस बाहर आया ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया।
अच्छा, बात करूँ अगर ईदगाह आगरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आगरा कैंट की लाइन जो है वो निकल जाती है, मतलब एक लाइन जो है बाईपास निकल जाती है, तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी सीधा हमारी ट्रेन अब यहाँ से निकल रही है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के लिए। और पहले मुझे भी लगता था कि ये आगरा फोर्ट है, पर ये मेरे ख्याल से जामा मस्जिद है। आगरा फोर्ट थोड़ी दूरी पे यहाँ से है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सीटें यहाँ से खाली थी वो यहीं से भरने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत जनता दिखाई दे रही है। तो चलो, मुझे लगता है कि अब मेरी सीट जो है, जो खाली सीट थी वो तो बिल्कुल गई अब। चलो, फाइनली पहुँच चुके हैं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, और यहाँ मुझे सुमित भाई मिल गए जो कि मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। आप भी बनारस तक जा रहे हो, बनारस घूमने के लिए जा रहे हो? फर्स्ट टाइम बनारस जा रहे हो? फर्स्ट टाइम बनारस। चलो बढ़िया है, मतलब आशा करता हूँ कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो वहाँ पे, अच्छा देखने को मिले आपको। बाकी बनारस तो खूबसूरत है ही। चलो, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच सुमित भाई, अच्छा लगा मिलकर आपसे। चलो, अगर बात करूँ ना तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था शाम के 6:20 का, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है करीब 7:30, तो बिल्कुल मतलब लेट तो चल रही है 1 घंटे। और यहाँ से टुंडला की जो दूरी है अराउंड 22 किलोमीटर की है, लेकिन उस 22 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को करीब 2 घंटे का समय जो है वो दिया गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेन जो है अपना थोड़ा मैनेज कर ले, जो भी उसको दिक्कत, जो भी लेट हुई है थोड़ा बहुत। बाकी यहाँ एक और चीज़ कि टुंडला पहुँचते हमारी ट्रेन आ जाएगी नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन पे, और तो मेन लाइन पे आने के बाद देखते हैं कि ट्रेन जो है वो लेट होती है या फिर अपनी ही रफ्तार में आगे बढ़ती है और बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचती है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बाकी मैं अपने लिए कुछ खाने पीने का कुछ यहाँ पे लेने नहीं वाला, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे उतनी अच्छी क्वालिटी जो है वो नहीं मिलती खाने की, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पर हाँ मेनली पैक्ड फूड आइटम अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ कुछ भी आप पूरी छोड़ लें, जो भी चीज़ें अगर आप लोगे तो शायद वो अपने रिस्क पे लो आप, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है उससे। मुझे तो दिक्कत कई बार हुई है, तो मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ यहाँ पे कुछ लेना ही। चलो, ये चीज़ अच्छी हुई कि 7:40 पर अपना डिपार्चर यहाँ से हो गया, बहुत देर तक यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकी। देखो, अपना एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है यहाँ पे। ये यमुना रिवर जो है वो क्रॉस हो रही है, एक बार ऑलरेडी मेरे साथ यहाँ पे इंसिडेंट हो चुका है, तो दोबारा मैं तो बाहर नहीं आऊँगा। हालांकि रात के वक्त में थोड़ा कम होता है ये चीज़, लेकिन फिर भी रिस्क लेने का मन नहीं कर रहा। क्यों भाई? अच्छा, आपका भी ब्लॉगिंग का चैनल है क्या? S2S Vlog। अरे वाह, S2S Vlog को आप सब्सक्राइब करो, बढ़िया ब्लॉग बना रहे भैया, एकदम मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। मतलब वैसे अगर दिन का उजाला हो जाए तो शायद आपको ताजमहल जो वो देखने को मिलता, हालांकि वैसे भी देखने को मिलता क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल पैरेलल अराइवल हो रहा है अपना, हम बिल्कुल जाकर के मिलने वाले हैं टुंडला, और एकदम ऊपर से आते हैं, हम ऊपर से क्रॉस करते हैं इस मेन लाइन को, नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन के बिल्कुल ऊपर से हम आते हैं, और फाइनली अब मिलन हो रहा है हमारा इस मेन लाइन में। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि शायद, और वो मेरे ख्याल से नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस है जो फ़िलहाल अभी टुंडला रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। तो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए, वक्त हो चला है। अब देखो, आपको फॉग जो है वो समझ में आ रहा होगा, कितना फॉग जो बढ़ रहा है, ठंड जो है वो बढ़ रही है। बाकी हाँ, वक्त हो चला है रात के 8:26 और फाइनली पहुँच चुके हैं टुंडला जंक्शन। बाकी बात करें तो मुझे लगा था शायद हम लेट पहुँचेंगे यहाँ पे, करीब 9 बज जाएंगे, लेकिन चलो ट्रेन यहाँ पहुँच गई सही समय से। तो अब अगर देखा जाए तो जो ट्रेन करीब 1 घंटे लेट चल रही थी वो सिर्फ अब 26 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। तो जाहिर तौर पर आगरा फोर्ट और टुंडला के बीच में काफ़ी स्लैक इसको मिला हुआ था और भरपूर फ़ायदा ट्रेन ने उठाया, बिल्कुल बीच में कहीं लेट नहीं हुई और सीधे टुंडला पे आके रुकी। बाकी यहाँ एक और चीज़ कि अब हम आ चुके हैं बिल्कुल नई दिल्ली कानपुर मेन लाइन पे, और अब इसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। ट्रेन की रफ्तार या तो यहाँ से बहुत बढ़ेगी या तो फिर बहुत स्लो होने वाली है, पीछे से कोई ट्रेन ओवरटेक करेगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि जो लखनऊ तेजस एक्सप्रेस थी वो भी लेट चल रही थी, तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी जो लेट चल रही होंगी। मैं अभी देखता हूँ, थोड़ा सा खोजबीन करूँगा, और अगर कुछ ओवरटेक देखने को मिल जाए ना तो फिर मज़ा आ जाएगा फिर तो। अच्छा, अगर बात करूँ टुंडला की तो हाँ, ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है बरहन होते हुए हाथरस जंक्शन की तरफ, और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि ये आगरा फोर्ट की तरफ से लाइन हो गई, और एक लाइन इधर से हमारी लखनऊ तेज आई है यानी कि गाज़ियाबाद नई दिल्ली की तरफ से, और एक लाइन इधर हम जाने वाले यानी कि शिकोहाबाद होते हुए कानपुर। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिल रही हैं, इसलिए टुंडला को हम एक बड़ा जंक्शन जो है बोल सकते हैं।
और ठंड का आलम ऐसा है कि इंसान तो छोड़िए, जानवर भी इससे कहीं ना कहीं बहुत परेशान होंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, मतलब बहुत देर तक टुंडला में रुके नहीं हम, किसी ट्रेन का ओवरटेक या कुछ जो है वो नहीं देखने को मिला। बाकी अब देखना है कि यहाँ से हमारी ट्रेन की रफ्तार जो है वो कितनी होती है। तो मुझे लगा था कि शायद एक जो ट्रेन है ना वो हमें ओवरटेक कर सकती है और वो है पूर्वा एक्सप्रेस। बाकी पूर्वा एक्सप्रेस जो है बिल्कुल पीछे भी चल रही है हमारे। अब वैसे अगर देखा जाए तो फिरोज़ाबाद के पास में ओवरटेक हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारी ट्रेन लग रहा है कि शायद शिकोहाबाद जाके रुकेगी और उसके बाद से पीछे से पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो आएगी। तो मे भी हो सकता है कि वैसे ही कुछ हो, तो वेट करते हैं शिकोहाबाद जंक्शन का। ये देखो आप, अचानक से फॉग, आप देखो अब आपको फील हो रहा है कि हल्का हल्का फॉग जो है वो शुरू हो गया। और जैसे जैसे रात ढल रही है ना, वैसे वैसे धुंध देख करके समझ में आ रहा है कि आगे ट्रेन जो है वो लेट तो होने वाली, क्योंकि ऐसे में विजिबिलिटी बहुत ही खराब हो जाती है। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं शिकोहाबाद जंक्शन और फॉग का आलम देखो आप। स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे और फॉग जो है वो बढ़ेगा और ऐसे में हमारी ट्रेन और लेट होगी। कितना लेट होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो है अभी पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो आने वाली है तो उसका यहाँ पे स्टॉप नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ शिकोहाबाद की ना, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है मैनपुरी जंक्शन की तरफ, जो कि आगे फरुखाबाद की तरफ निकल जाती है। तो यही एक लाइन यहाँ पे आगे मिलती है। तो फाइनली पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो अभी फिलहाल ओवरटेक करी है, लेकिन बहुत ही स्लो स्पीड में। तो आप पूर्वा एक्सप्रेस की रफ्तार देख करके समझ चुके होंगे कि कितना ज़्यादा दिक्कत होता है फॉग में ट्रेन चलाने में, और मेरे ख्याल से सिग्नल जो है वो नहीं होगा आगे। तो ऐसे ही हमारी ट्रेन भी अब स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगी और देखने वाली बात होगी कि हमारी ट्रेन जो है वो कानपुर सेंट्रल कब पहुँचती है। तो चलो, रात के 9:29 का वक्त हो चुका है और फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जैसे ही पूर्वा एक्सप्रेस आगे निकली उसके ठीक 10 बाद अपना डिपार्चर हो गया। हालांकि अगर पूर्वा एक्सप्रेस की स्पीड जो है वो थोड़ी और अच्छी रही होती ना, तो शायद हमें और जल्दी डिपार्चर जो है मिल जाता, लेकिन आगे कॉशन है, ट्रेनें स्लो चल रही जिस कारण से लेट तो ट्रेन होने वाली है फॉर श्योर। अच्छा, अगर बात करूँ मैं साइड लोअर सीट की ना, तो मुझे साइड लोअर सीट जो है बिल्कुल भी रास नहीं आती। आप देखो हेड स्पेस जो है वो कितना है, और 2 AC में आप तत्काल में एक्स्ट्रा पे करके, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये, अगर वो वाली अपर सीट मिल जाती है तो अपर सीट काफ़ी सही लगती है, लेकिन ये साइड अपर सीट तो बहुत बुरी है। अच्छा, बात करूँ अगर मैं डिनर की, तो डिनर जो है जो भी हो इसमें जलेबियाँ जो है वो हैं, तो ये ट्राई करूँगा और कचौरी खाऊँगा, ये सब चलने वाला है। तो वैसे आपको इसमें खाना मिल जाएगा ट्रेन में, लेकिन उस पर रिलाई तो बिल्कुल नहीं कर सकता मैं, और ऑनलाइन ऑर्डर करने का जो है वो सोचा नहीं मैंने। तो बस ठीक है, मेरा आज इसमें काम हो जाएगा। बाकी चलो अब देखते हैं कि हमारी ट्रेन जो है वो कानपुर सेंट्रल कब पहुंचती है। अगर मेरी नींद खुली तो कानपुर सेंट्रल ज़रूर से आपको दिखाऊंगा, और अगर ट्रेन लेट होती है करीब 11:30-12 बज जाते हैं तो फिर तो दिक्कत होगी, और सुबह देखना होगा कि हमारी ट्रेन कहां पहुंचती है। और सुबह जब नींद खुलती है तो हमारी ट्रेन सुल्तानपुर जंक्शन से निकल रही थी, इसका मतलब ये कि हमारी ट्रेन लखनऊ और अयोध्या धाम के बीच में डाइवर्टेड थी, और इसलिए इसको वाया सुल्तानपुर होकर के अब बनारस ले आया जा रहा है। मतलब ये कि हमारी ट्रेन अब जौनपुर जंक्शन नहीं बल्कि जौनपुर सिटी स्टेशन पहुंचने वाली है। और सुल्तानपुर जो है वो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हो ना ये अलग हो रही है और जाके मिलती है प्रतापगढ़ में, तो इसलिए सुल्तानपुर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और फिलहाल वक्त हो चुके हैं सुबह के 7:40, थोड़ा लेट नींद खुला, वैसे रात में सो गया था मैं। और रात की अगर बात करूँ तो ट्रेन जो है वो कानपुर सेंट्रल थोड़ा लेट पहुँची थी, 1 घंटे लेट पहुँची थी। मेरी नींद खुली थी पर मैं बाहर नहीं जा पाया, तो ये चीज़ हुई, और कानपुर सेंट्रल आपको दिखा नहीं पाया मैं। बाकी हाँ, हमारी ट्रेन जो है वो ठीक ठाक, मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा बहुत लेट हो गई है, पर हाँ अराउंड 1.5 घंटे लेट चल रही है, और इतना लेट जो है वो चलता है, मतलब
इसलिए क्योंकि जब हम टुंडला में थे तो सिर्फ आधे घंटे या 40 मिनट पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो है जो कि नई दिल्ली से बनारस को जाती है वो निकली थी, और अभी वो ट्रेन जो है वो बनारस पहुंचने वाली है, करीब उसको 40 मिनट और लगने वाले हैं, तो 8:30 या फिर 9 बजे वो बनारस पहुंचेगी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हम भी ऑलमोस्ट लाइक उसी टाइम पे बनारस पहुंच सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हुई हमारे लिए, क्योंकि हम दूसरे रूट से आ गए कानपुर सेंट्रल से और वो कानपुर प्रयागराज मेन लाइन से आई, तो वहाँ तो बहुत बुरा हाल है, फॉग ऐसा है कि ट्रेनें बहुत लेट हो रही हैं वहाँ पर, वो ट्रेन भी करीब 9:30 घंटे लेट चल रही है, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात हुई कि हमारी ट्रेन बहुत लेट नहीं हुई। चलिए फाइनली अपना अराइवल हो रहा है जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन में। हालांकि ये जो ट्रेन है वो जौनपुर सिटी नहीं जाती, जौनपुर जंक्शन जाती है, तो ट्रेन डाइवर्टेड है इसलिए जौनपुर सिटी में अपना अराइवल हो रहा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमारी इस ट्रेन का यानी कि 14864 जो ट्रेन नंबर है जो कि वाया अयोध्या कैंट चलती है मधुर एक्सप्रेस, इसका जौनपुर सिटी में कोई लेन देन नहीं है, मतलब इसका यहाँ पर कोई हॉल्ट है ही नहीं, जौनपुर जंक्शन में इसका अराइवल होता है, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो डाइवर्टेड है, लखनऊ से अयोध्या धाम जो है वो गई नहीं, तो इसलिए हम जौनपुर सिटी पहुँचे हैं जौनपुर जंक्शन के जगह पे। और बात करूँ अगर जौनपुर जंक्शन पहुँचने का तो वो था करीब सुबह के 7:30 बजे का, लेकिन ट्रेन जौनपुर सिटी जो है वो अराउंड 8:55 पहुँची है, तो ऑलमोस्ट अगर बोलूँ तो बिल्कुल ठीक ठाक समय पर चल रही है, बहुत लेट ट्रेन नहीं हुई। हाँ, अगर उस रूट से आती तो ज़ाहिर तौर पर और लेट होती है। बाकी बात करें वाराणसी सिटी पहुँचने का ना, तो इस ट्रेन का सही समय है वो है सुबह के 10:15 का, और मुझे लगता है कि ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम जो है वो पहुंच जाएगी। अब जौनपुर से 1.5 घंटा तो आराम से लग ही जाएगा, तो कितना भी लेट हो सिर्फ 30 मिनट या फिर 40 मिनट की देरी से हम वहां पहुंचेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं जाफराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जाफराबाद जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहां से एक लाइन जो है वो निकल जाती है जंघई की तरफ, जो कि आगे वहां से लाइन प्रयागराज की तरफ चली जाती है, और वहां से एक और लाइन जो है वो वाराणसी की तरफ जाती है, तो इसीलिए जाफराबाद जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, हालांकि बहुत बड़ा नहीं पर हाँ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और वैसे भी हमारी ट्रेन का यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं है, तो स्टेशन की बिल्डिंग देखो आप, बिल्कुल पुराने ज़माने की छोटी सी प्यारी सी बिल्डिंग, और ये देखो ये ट्रेन रुकी इसलिए लोग इसे बैठने को तैयार हो गए जिनको बनारस की तरफ जाना हो, हालांकि ऑफिशियल कोई हॉल्ट नहीं था यहाँ पे। अरे आराम से रहन दो, नहीं रहन दो, अरे भाई नहीं मानोगे। और अच्छा हुआ कि ट्रेन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, तो फिर चढ़ने में दिक्कत जरूर से हो जाती। चलो जैसे जैसे दिन और ढल रहा ना, वैसे वैसे फॉग जो है वो और बढ़ रहा है, लेकिन इस फॉग से अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन जो है बस आ ही गया, पहुंचने वाले अपने गंतव्य स्थान पे। ये देखो बिल्कुल होम सिग्नल पे हमारी ट्रेन रुक चुकी है, और कई लोग तो जो है जो कि जनरल क्लास में यात्रा कर रहे थे वो लोग अब नीचे उतर करके जा रहे हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि बहुत देर तक यहाँ पर ट्रेन खड़ी होने वाली है। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि बनारस जो है वो एंट्री लेता नहीं है, स्पेशली बनारस कैंट रेलवे स्टेशन जो है वो ट्रेनों को जल्दी लेता नहीं है, ये मैंने बहुत बार देखा है। चलो फाइनली जो है वो ट्रेन निकल चुकी है, बहुत देर तक ट्रेन यहाँ रुकी नहीं, ये अच्छी बात हुई। तो चलो वक्त हो चुका है सुबह के 10:12 और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है अपने गंतव्य यानी कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पे। वाराणसी कैंट मुंबई महानगरी एक्सप्रेस जो है उसका डिपार्चर बस होने ही वाला है। चलो फाइनली अपनी करीब 890 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी हो गई, और एक और चीज़ है कि जितना लगा था मुझे लेट होगा उतना लेट हुआ नहीं, यहाँ पहुँचने का जो सही समय था इस ट्रेन का वो था 9:50 का, पर ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो 35 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। चलो 35 मिनट की देरी जो है, इतना घना फॉग हो और सिर्फ 35 मिनट का डिले जो है वो तो चलता है। हाँ, ये डिले जो है वो नहीं हो पाता अगर हमारी ट्रेन डाइवर्ट होकर नहीं आती, मतलब अगर हमारी ट्रेन अपने ओरिजिनल रूट से आती अयोध्या धाम होते हुए आती
तो शायद से बहुत लेट हो जाता। बाकी चलो अपनी जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म और पहुँच गया अपने होम टाउन यानी कि वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये ट्रेन जो है वो जाएगी वाराणसी सिटी की तरफ, लेकिन मैं यहीं पर ट्रेन को डिबोर्ट कर रहा हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए और एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।